नमस्कार, आइए आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, चैप्टर फर्स्ट में प्रकाश का प्रवर्तन, एनसीईआरटी में अपवर्तन भी फर्स्ट चैप्टर में मिक्स कर दिया। चलिए हम पहले सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि किरण पुंज से ही आगे चलकर के दर्पण और लेंस में भी हमें किरण पुंज का बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, किरण पुंज पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन एवं उसका नियम। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मगर फिर भी देख लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ठीक है, ऐसे तो मेरी लैब में इससे समझ तो ज्यादा है मगर फिर भी आपको एक तरह से लैब का ही देगा, उसमें आपको इमेज यानी प्रतिबिंब समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर समतल दर्पण के प्रकृति में उपयोग, और उसके बाद फिर गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम ये तीनों देखते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, किरण पुंज। तो किरण पुंज होता क्या है, किरण पुंज किसे कहते हैं बाबू, किरण पुंज का डेफिनेशन क्या होता है कि प्रकाश की किरण, मतलब कि प्रकाश कोई रे आ रही है। ठीक है, ये सारी रेक घूमकर रे को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, यदि एक आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का रे कहेंगे। ठीक है, यदि ग्रुप ऑफ रे है तो उसे हम किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन किरण पुंज का क्या बताया है कि प्रकाश की किरणों के समूह हम प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड किरण पुंज। ओके, चलो ये तो किरण पुंज हो गया। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं अपसारी, अपसारी किरण पुंज। यदि हर से देहू में गलत होगा तो माफ कर दीजिएगा। एक का होता है समांतर, और एक क्या होता है अभिसारी। ओके, तो अपसारी में क्या होता है, समांतर में क्या होता है, और अभिसारी क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसको हम देखेंगे, अपसारी किरण पुंज को। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे बाबू, अपसारी किरण पुंज हो जाता है कि कोई एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश का कोई बिंदु स्रोत है। ठीक है, और इससे कोई एक रे निकल रहा है। ठीक है, इसे क्या है, ग्रुप ऑफ रे निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, और यदि कुछ पैरेलल जा रहा है, ये सारे लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाता है, ये सारे क्या हो रहे हैं, एक बिंदु स्रोत पर आकर के मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो तीनों किरण पुंज में क्या हो जाएगा, अपसारी में क्या हो जाएगा, इसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, और एक दूसरे के समानांतर चलने वाली किरणों को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरणों को समानांतर किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किरण पुंज कैसे कहेंगे, कि किसी भी बिंदु आती हुई किसी भी समानांतर प्रकाश की किरणें यदि किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर के फोकस हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आएंगे पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन का डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन तो आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, कि कोई भी प्रकाश की किरणें हैं वो क्या कहते हैं कि दर्पण से टकरा कर उसको लौटती है, दर्पण से लौट करके प्रवर्तन होने के सारे जो होल प्रोसेस है उसमें प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो हम डिफिनेशन पर नहीं जाते हैं, तो हम डिफिनेशन क्या होता है, कोई एक दर्पण है, यहाँ पर एमएन क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, इनमें कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। अभी जानकारी के इनसे भी जानने के समतल दर्पण है। ठीक है, और समतल दर्पण का और हम सारे जितने भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। ओके, ठीक है, तो क्या करता है, प्रकाश का प्रवर्तन करते है कोई एक बिंदु स्रोत से। ठीक है, हम इसके ऊपर प्रकाश डालें। ठीक है, हम क्या कारण डाले हैं, एम क्यू एक क्या है, प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कोई एक टॉर्च मान लेते हैं, एक टॉर्च है। ठीक है, यहाँ से हम प्रकाश डाले, वो प्रकाश दर्पण से टकराए। ठीक है, और दर्पण से किस बिंदु पर टकराए,
क्यू बिंदु पर टकराएगी, ठीक है। तो दर्पण से जिस बिंदु पर टकराएगी उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। और जो यहां से हम रे डाल रहे हैं वो कौन सा किरण हो जाएगा? आपतित किरण। क्या हो जाएगा? आपतित किरण। ठीक है, जो यहां से हम रे डाल रहे हैं कौन सा किरण हो जाएगा? आपतित किरण। और जिस पॉइंट पर अपन हो रहा है उसे हम क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। ठीक है, अब ये दर्पण से टकरा कर, ये दर्पण से टकरा कर लौटेगा तो लौटी के कौन रे बन रहा है? ये लौटने से जो रे बन रहा है ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए, तो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, आपतन बिंदु मिल गया। ओके, चलिए, तो इसके बीच में एक एक अभिलंब होता है। कौन? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम एक अभिलंब खींचते हैं, यानी लंब खींचे, उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब ये कहिएगा हम ये अभिलंब क्यों खींचे? अभिलंब इसलिए खींचे कि तभी तो हमें कोई एंगल बनेगा ना, आपतन कोण या परावर्तन कोण, दो एंगल बनेगा। ठीक है, आपतन को तो हम आई से डिनोट करते हैं जनरली, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण कौन हो जाएगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, एक होंगे आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है एक हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए, आपतन बिंदु बन गया, ये समतल दर्पण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, अभिलंब हो गया। ठीक है, चलिए, और आपको अब आते हैं हम नियम के ऊपर। ठीक है, क्या नियम इसका? प्रकाश का परावर्तन का क्या होता है? ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का नाम सबसे पहला क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब क्या? आई बराबर एंगल, आई बराबर एंगल क्या है? आर। ठीक है, आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण का। यदि हम एंगल में देंगे तो क्या हो जाएगा? एम क्यू पी, यानी क्या? एंगल एम क्यू पी बराबर हो जाएगा किसके? एन क्यू पी के। एंगल एन क्यू पी के। ठीक है, चलिए, ये तो फर्स्ट रूल हो गया था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और सेकंड रूल क्या हो जाएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, और तीनों का संबंध भी एक ही पॉइंट से है। ठीक है, इससे ओके, चलिए, अब तो हो गया प्रकाश का परावर्तन, अब हम लोग देखेंगे क्या परावर्तन और नियम देखिए, हम प्रतिबिंब देखते हैं। चलिए, तो हम इस प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद या तो किसी पॉइंट पर मिलती है, मिलते हुए प्रतीत उसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। ओके, तो कैसे संभव है? क्या एक ही एक जो पॉइंट हुआ क्या कि बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण? ठीक है, बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण आखिर क्या है? तो प्रतिबिंब को समझने के लिए तो लैब में हम ज्यादा समझते हैं, नहीं तो हम देख सकते इसे हम इस स्मार्टफोन के आईनेटर से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो चारों तरफ लाइट है, तो यहाँ पर नहीं बताता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार अपने चेहरे पर लाइट फोकस करके इसमें अपना चेहरा देखिएगा। ठीक है, आईना रखिए, स्मार्टफोन रखिए, कुछ भी रख करके, ठीक है, एक बार अपने चेहरे पर फोकस करके तब देखिएगा कि इमेज फॉर्म आपको दर्पण में होता है या नहीं। ठीक है, और एक बार दर्पण पर लाइट देख करके अपने चेहरे पर लाइट नहीं रखिएगा। ठीक है, तब देखिएगा कि आपको इस पर क्या कहते हैं प्रतिबिंब बनता है या नहीं, या दर्पण में आप देख पाते हैं नहीं। तब ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जब आपके चेहरे पर लाइट रहती है तभी आप इसमें अपना इमेज अपना देख पाते हैं। मतलब क्या कि इसका मतलब है ना कि किसी भी बिंदु स्रोत से कोई लाइट आ रही है तो क्या हुआ, अपने फेस से कोई लाइट आ रही है, यहाँ पर लाइट है, वो क्या करिए मोबाइल पर या आईना पर क्या करो, क्या करो, प्रकाश का परावर्तन कर रही है, उसको ऊपर जा रही है, उसके बाद फिर वो रिटर्न आ रही है। ठीक है, उससे इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, और यदि हम इस सिर्फ स्मार्टफोन पर लाइट रखेंगे या आईना पर रखेंगे और अपने फेस पर लाइट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इमेज फॉर्म नहीं होगा, मतलब हम उसमें अपना चेहरा नहीं दिखेंगे।
आप लोग ऑब्जर्व करके देखिएगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होगा आप समझ लें, किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत हो गया ना, तो हम यहाँ पर चेहरा मेरा हुआ, मेरा ही बिंदु स्रोत हुआ, ठीक है। तो बिंदु स्रोत से प्रकाश कितने जा रहे थे, प्रकाश के लिए किस पर जा रहे थे, दर्पण हो गया, क्योंकि हमने अपना स्मार्टफोन दर्पण बना लिया, तो दर्पण से परावर्तन हो गया। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो उसी उसी क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं, ओके। चलिए, तो अब यह मतलब है कि मिलता हुआ कैसे देखेंगे, मिलते हुए देखने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पर लेबोरेटरी नहीं है कि जिसे हम आपको देखा शो कर सके, ओके। चलिए, आप लोग अपने अपने स्कूल के लैब में जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन का डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत, ठीक है। और प्रकाश का परिवर्तन होते कितने, दो होते हैं, कौन कौन, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा के काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा इसमें पर्दे के ऊपर प्राप्त कर सकते, मतलब क्या, एक्चुअल मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं है, मिलती हुई ही है, मतलब क्या कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर एग्जैक्ट मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब का और गुण क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में जो वस्तु की अपेक्षा इसका इमेज फॉर्म होता है उल्टा होता है उसमें वास्तविक में, और काल्पनिक में क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये दोनों का डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं। आइए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का दोनों का डिफरेंशिएशन यानी अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या हो जाएगा, दोनों के डिफिनेशन में हो जाएगा, ठीक है। दोनों के डिफिनेशन में कहा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है क्या, किसी बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ओके। किसी बिंदु से वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और सेकंड अंतर क्या हो जाएगा, डिफिनेशन को हटा देते हैं थोड़ा से पहले, ये तो डिफिनेशन हो गया, अब इसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो मिलती है, इस पर मिलती है, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु की अपेक्षा इसका प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु वस्तु की अपेक्षा उल्टा, और यह क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब है क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, इसे क्या हो जाएगा, इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे क्या, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, इसे क्या, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता,
ठीक है, ये दो हुआ। तीसरा क्या हो जाएगा, इसे यदि हम दर्शाना होगा शायद ग्राफ में दर्शाएं या लेबोरेटरी में यदि हम स्केच बना रहे तब क्या होगा, इसे हम लाइन से दर्शाते हैं। क्या लाइन से दर्शाते हैं, लाइन से दर्शाने का मतलब क्या है, पूरा लाइन दर्शाएंगे। ठीक है, इसे क्या, इसे डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं, इसे हम डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं, मतलब क्या ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं।